नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ककोड़ा की खेती के बारे में। ककोड़ा को आप में से कुछ लोग खेसा के रूप में जानते हैं तो कुछ लोग मीठा करेला के रूप में। किसान भाइयों, आज हम इसी की फसल के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार का ये पौधा है, कितने खर्चे में इसकी खेती की जा सकती है, कब इसकी खेती की जा सकती है, किस प्रकार से आप इसकी रुपाई या बुआई अपने खेत में करेंगे, किस प्रकार की मिट्टी में करेंगे, कौन कौन सी टॉप की वेराइटियाँ है, कितना उत्पादन मिलेगा, कितनी बचत हो सकती है, कितना मुनाफा हो सकता है, सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जहाँ भी ये वीडियो आपको पसंद आ जाए प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। किसान भाइयों, अगर हम सबसे पहले बात करें तो ककोड़ा एक जंगली पौधा है। जंगली पौधा होने के कारण इसमें रोग, कीट, व्याधि, वायरस भी बहुत कम लगते हैं, इसलिए इसमें खर्चा भी कम आता है क्योंकि स्प्रे की बचत हो जाती है, ज़्यादा खाद देना नहीं पड़ता है, ज़्यादा मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसान भाइयों, ये जानने के बाद में हम बात करते हैं कि आखिरकार इसके लिए खेत की तैयारी कैसे करेंगे। तो किसान भाइयों, इसके लिए सबसे पहले पल्टी पुलाव चलवाइए। पल्टी पुलाव चलवाने के बाद में गोबर की खाद 2 ट्राली पर एकड़ के हिसाब से अपने गोबर की खाद बिछा देनी है पूरे खेत में। फिर आपको सिंगल सुपर फास्फेट यानी SSP खाद 2 बैग पर एकड़ लेकर पूरे खेत में अच्छे से फैला देना है। 10 से 12 दिन तक अच्छे से ज़मीन को सूखने देने के बाद में कल्टीवेटर चलवा दीजिए। 2 बार कल्टीवेटर चलवाने के बाद में आड़े तिरछे से अच्छे हलवाने के बाद में अब आपको रोटावेटर चलाकर ज़मीन को भुरभुरी कर लेनी है। किसान भाइयों, ये आपका खेत, बेसिक खेत तैयार हो गया है ककोड़ा की खेती के लिए। आप ककोड़ा की खेती के लिए अब आपको कैसे इसकी रुपाई अपने खेत में करनी है, तो किसान भाइयों, इसकी रुपाई करने का एक डिफरेंट तरीका होता है जिसमें आपको 1 फीट गहरे 2 से 2.5 फीट चौड़े गड्ढे करने होते हैं। किसान भाइयों, उस गड्ढे में आपको मिट्टी निकाल कर बाहर रख देनी होती है। फिर उस गड्ढे में आपको लगभग 2 किलोग्राम कंपोस्ट यानी अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट आपको कहीं से मिल जाता है तो उसे डाल दीजिए। किसान भाई, उसके बाद में 30 ग्राम इसमें यूरिया डालिए, 100 ग्राम DAP और 20 ग्राम पोटास अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर उस जो कंपोस्ट आपने डाला है उसकी लेयर के ऊपर इसको बिछा दीजिए। किसान भाई, उसके बाद में फंगीसाइड यानी फंगस नाशक दवा और इंसेक्टीसाइड यानी कीड़ा मार दवा, इल्ली मार दवा, इसको अच्छे से मिला लेना है। अगर पाउडर फॉर्म में मिल जाती है तो फिर इसको इसके ऊपर फैला देना है। किसान भाइयों, ऐसा करने के बाद में आपकी जो मिट्टी है जिसे आपने गड्ढा खोद कर निकाला था उस मिट्टी को अच्छे से डाल देना है, उस मिट्टी को डालना है और थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिट्टी लेकर 4 इंची ऊपर तक आपको ले आना है। किसान भाइयों, जैसे ही ये ऊपर आ जाती है परत, अब आप में इसमें 9 उंगली से छेद कीजिए। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, उंगली से 9 छेद कीजिए जिनमें से 8 छेदों में आपको मादा पौधे और 1 छेद में आपको नर पौधा लगाना है। किसान भाइयों, बीज लगाना चाहते तो बीज लगाइए, पौधे लगाना चाहते तो कंद या पौधा लगाना चाहते तो कंद या पौधा लगाइए। इस प्रकार से आपको इसकी रुपाई कर देनी है, फिर उसके बाद में इसकी पहली सिंचाई कर देनी है। इस प्रकार से आप बड़ी आसानी के साथ में अपने खेत में कंटोला, खेसा, मीठा करेला या ककोड़ा की बुआई या रुपाई अपने खेत में कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये करने के बाद में जैसे ही 60 से 70 दिन बीतते हैं किसान भाइयों, आपको इसमें फूल देखने को मिलेंगे। तो आपको 2 प्रकार के पौधे आपके खेत में दिखाई देंगे, एक वो जिसमें फूल आए होंगे और फूल से फल बनना शुरू हो गए होंगे, और एक वो पौधा होगा जिसमें फल आपको दिखाई नहीं देंगे। तो जिसमें आपको फल नहीं दिखाई दे रहे हैं वो आपका नर पौधा है, और जिसमें फल दिखाई दे रहे हैं वो आपका मादा पौधा है। किसान भाइयों, एक बार फूल आ जाते हैं और फल बनना शुरू हो जाते हैं उसके बाद में अगर आप नर पौधे को हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, वरना रहने देना चाहते हैं तब भी कोई समस्या नहीं है। किसान भाइयों, अगर मैं इसकी टॉप की वेराइटियों की बात करूँ तो बहुत सारी वेराइटियाँ आती है, हाइब्रिड वेराइटियाँ भी अब आने लगी है। जंगली पौधा होने के बाद भी बहुत सारे अनुसंधानों और रिसर्च के बाद में इसकी हाइब्रिड वेराइटियाँ भी तैयार कर ली गई है। किसान भाई, उनमें से अगर मैं टॉप की वेराइटियों की बात करूं तो RK1 बहुत ही बढ़िया वेराइटी है, फल अच्छा होता है और साथ ही साथ रोगों की प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत बढ़िया होती है। इसके साथ ही इंदिरा ककोड़ा 1, Ambika 12-2, Ambika 12-1 और Ambika 12-3 बहुत ही बढ़िया वेराइटी है। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको किस प्रकार की मिट्टी में इसकी रुपाई या बुआई करनी चाहिए। तो देखिए, किसी भी प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती बहुत ही बढ़िया से की जा सकती है, केवल उचित जल की निकासी होना चाहिए क्योंकि इससे पानी भराव से इसकी जड़ें या कंद सड़ने की काफ़ी समस्या होती है, इसलिए उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लीजिए। अगर मैं pH वैल्यू की बात करूँ तो वो 6 से 7 तक चलेगी। अम्लीय भूमि नहीं होना चाहिए, अम्लीय भूमि होती है
तो इससे काफ़ी समस्या होती है, जड़ गलन की समस्या काफ़ी देखने को मिलती है। किसान भैया अगर मैं स्प्रे शेड्यूल की बात करूँ तो इसमें ज़्यादा स्प्रे आपको नहीं करना है। अगर आपको फल छेदक या पत्ती छेदक कीड़े दिखाई देते हैं तो आप उनका सामान्य स्प्रे कीजिए। अगर आपको जड़ गलन की समस्या दिखाई दे रही है तो फंगस नाशक दवाई का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पौधे में पीलापन आ रहा है तो आप टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से स्प्रे का मैनेजमेंट कर सकते हैं। किसान भाई इसको ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, केवल बारिश के समय की ये फसल है इसलिए बारिश से ही इसका काम हो जाता है और अच्छा उत्पादन भी मिल जाता है, अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु फिर भी यदि मान लीजिए कि बारिश ढंग से नहीं होती तब आप सिंचाई कर सकते हैं, कोई समस्या उसमें भी आने वाली नहीं है। किसान भाइयों अगर अब मैं बात करूं कि इससे उत्पादन कितना मिलेगा और कितना मुनाफा आपको मिल सकता है, तो किसान भाइयों अगर मैं बात करूं तो पर पौधा आपको लगभग 4 से 5 किलो उत्पादन देता है। और अगर मान लीजिए कि आपके फल जल्दी आ गए और इसकी फसल आपको जल्दी मिल गई है तो लगभग आपको 120 से 140 रुपए पर किलो का भाव इसका आसानी से मिल जाएगा, वरना तो 50-60 रुपए किलो ये आसानी से बिक जाती है। अब किसान भाइयों इसका कंद है वो सालों तक आपके खेत में पड़ा रहेगा, यानी आपको डबल बुआई या रुपाई इसकी करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आपने खेत में बुआई कर दी तो सालों तक ये फसल चलती रहेगी। जैसे ही मई जून का महीना आएगा अपने आप इसके कंद में से पौधे निकलना शुरू हो जाएंगे। किसान भाइयों अगर मैं बात करूँ कि मान लीजिए कि जैसे आपके मई जून में आपको इसने उत्पादन दिया तो फिर ठंड के समय में कैसी फसल आपको लगाना चाहिए ताकि जो पौधे जो कंद इसके खेत में पड़े हुए उनको ज़्यादा परेशानी ना हो, तो इसके लिए आप ऐसी फसलों का चुनाव कीजिए जिनको ज़्यादा सिंचाई ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती हो। वैसी फसलों के कारण इनके कंद सड़ेंगे भी नहीं, जिसकी वजह से आपको उत्पादन में भी बाद में अगली फसल में नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों ये हमारी कंटोला जिसे खेसरा या फिर ककोड़ा या जो बोलना चाहते हैं आप मीठा करेला कह लीजिए उसकी खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी थी, ए टू जेड नॉलेज था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर किए बिना मत जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।